दोस्तों अभी हम समरदों के रास्ते में हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। ये देखिए कैसे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। वो तो ये गाड़ियाँ बाहर आ गई थी उस साइड से, नहीं तो इन गाड़ियों के ऊपर ही पत्थर गिर जाते। बाल बाल बच्चे हैं लोग। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण ऐसी लैंडस्लाइड हो रही है सिक्किम में। ये देखिए फिर से पत्थर गिरे। बहुत ही खतरनाक रास्ता हो गया है यहाँ पे। रास्ता चौड़ा करने के लिए पहाड़ काटा गया था, लेकिन अभी बहुत ही खतरनाक हो गया है। इधर जाना काफ़ी डेंजर है। देखिए बस को पीछे ले रहे हैं, काफ़ी खतरा है इधर। बेवजह ना जाए, अगर काम है तभी समुद्र के रास्ते में जाए। दोस्तों अभी मैं अलेम्बिक फार्मा से निकला हूँ और ये सामने जो देख रहे हैं ये एलकेम का कंपनी है। ये यूनिट 3 है, यूनिट 1 और यूनिट 2 इसके सामने है। तो एलकेम का फैक्ट्री है ये, यूनिट 1 और 2। और इधर एलकेम का पार्किंग है, यहाँ पे सारी बसेस वगैरह खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रक वगैरह। पूरा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है इधर का। और इधर हो गई है MTS की गाड़ी ख़राब, ये सब एलकेएम की बसें खड़ी हैं स्टाफ को ले जाने वाली। ये सुबह से गाड़ी खड़ी है MTS की ख़राब हो गई है यहाँ पे। और ये स्कॉर्पियन की गाड़ी है। इधर हो गया है दोस्तों लैंडस्लाइड। पानी तो जबरदस्त चल रहा है। दोस्तों ये सामने एलकेएम कंपनी है और ये नीचे है नदी, और इधर है अरिस्टो फार्मा। और नदी में पानी काफ़ी तेज़ चल रहा है। और ये नीचे अलेम्बिक का कंपनी का है यहाँ तक। और मैं अभी जा रहा हूँ पैदल पैदल माझीटार। और इधर भी लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा रास्ता ख़राब हो रखा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और इधर कैसा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, एकदम खतरनाक रास्ता है। पैदल चलने के लिए अभी है नहीं, थोड़ा काम से आया था। उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो ट्रक आ रहा है। पहले नीचे था ये रास्ता, लैंडस्लाइड हो गया तो पूरा रास्ता नदी में चला गया। अभी पीछे जो बाढ़ आई थी उसके बाद ऊपर काट के फिर से रास्ता बनाया है यहाँ से। ये देखिए वो गाड़ी आ रही है वहाँ से, और ये दो लोग भी पैदल पैदल जा रहे हैं। मैं भी इसी रास्ते से ही जाऊँगा। अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर मेरे को पैदल चल के जाना पड़ेगा। आगे भी 2-3 जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। अभी हम जा रहे हैं वापस और देखते हैं क्या है नज़ारा। पीछे अभी काफ़ी शानदार हो रखा है। ये एक आदमी और जा रहा है मेरे आगे आगे। हम लोग पैदल पैदल ही जाएंगे यहाँ से। आगे रास्ता बंद हो रखा है, लैंडस्लाइड हुआ है, तो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं, कब तक खुलेगा रास्ता। इस रास्ते में कोई नहीं है, अभी पैदल पैदल ही जा रहा हूँ। पूरा इधर बारिश हो रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। मैं थोड़ा काम से आया था कंपनी के, अभी जा रहा हूँ वापस। और उस पार है बागी खोला और ZS कंपनी है, नीचे नदी है। हम लोग जा रहे हैं अभी इसी रास्ते से वापस। ये बागी खोला, उधर सामने ZS और टोरेंट कंपनी है।
रास्ते का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, पूरी हरियाली है दोनों साइड में और लगातार बारिश हो रही है तो पूरे पेड़ हरे भरे हैं। तो सामने बादल भी अच्छे लगे हुए हैं, पूरा काले काले घने बादल हैं, फिर से बारिश होगी लगता है। और इधर बाढ़ आए तो पूरा मिट्टी काट के ले गई है बाढ़ से। अभी तो पानी कम हुआ है, इससे पहले पूरा पानी था इधर। ये देखिए नदी के उस पार रोड है गैंगटॉक जाने के लिए, नेशनल हाईवे NH-10 जो कि सिलीगुड़ी से आता है। और मैं हूँ अभी साउथ सिक्किम में, वो है उधर ईस्ट सिक्किम। अभी तीस्ता नदी में पानी कम हो गया है। और ये सामने है SMIT कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी का कैंपस है इंजीनियरिंग का। यहाँ पे तो माजी टार है पूरा। आगे लैंडस्लाइड हुआ है इस वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, सब गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई हैं। एउटा दाँत वाले छ मान्छे हिँड्ने मैले खोलेको भन्ने कहाँ छुट्टी गऱ्यो उनीहरूको छुट्टी आदि बसको त मिल्नु झार्दै पठायो बिहान आधीलाई पठाएको बस पठाएको निस्किने पर सिङ्जाङ